सबसे नया कंसेप्ट अभी जो बोल रहे हैं ना कि बॉयकॉट बॉयकॉट वगैरह ये सब चीजें, तो इसके लिए नहीं है। मैं इतने समय के बाद फिल्म सन्नी साहब को देखने के लिए आया हूँ। सन्नी साहब की एक्टिंग, सन्नी साहब का चेहरा, उनकी आंखों में जो तिल है ना, आस्किल तिल है, जवाब नहीं उस तिल का, खातिल तिल है वो। टू स्मार्ट एंड सो क्विट कि क्या बोल सकते हैं, और सो क्विट कि क्या बोल सकते हैं। तो आप एक अच्छी फिल्म के बुरे रिव्यूज देके उसको पिटा देते हो आखिर में, और एक बुरी फिल्म के अच्छे रिव्यूज देके उसको हिट करा देते हो जस्ट फॉर मनी और रिव्यू। मैं मूवी के बारे में ये कहना चाहूंगा, ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है। चुप। सन्नी साहब की एक्टिंग, सन्नी साहब का चेहरा, उनकी आंखों में जो तिल है ना, आस्किल तिल है, जवाब नहीं उस तिल का, कातिल तिल है वो। क्रिटिक्स के बारे में स्टोरी है पूरी, तो स्टोरी लाइनअप के बारे में आप कुछ बताइए। ये मर्डर मिस्ट्री पिक्चर है, फिल्म आई थी गुरुदत्त साहब की कागज के फूल, उसको लेकर बनाई है, उसको लेकर उसके हिसाब से, वैसे नहीं कि वैसे ही बना दी, उसको लेकर उसके हिसाब की बनाई है। आजकल जो लोग फिल्म की अच्छाई बुराई करते हैं ना, उसके लेकर बनाई है ये फिल्म। कॉपी जेरोक्स यही सब चल रहा है, यू नो व्हाट आई मीन, मतलब हम चलो साउथ की फिल्में तो उठा के कॉपी कर ही रहे हैं, हम कोरिया की फिल्में, मंगोल की फिल्में, ऐसी ऐसी फिल्में जो के लोगों को पता ही नहीं है, तो वैसी फिल्में उठा के फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करके भी दे देते हैं। एंड सबसे बुरी बात ये लगती है कि क्रिटिक्स उसकी बड़ी अच्छी तारीफ भी कर रहे हैं, क्रिटिक्स बता भी नहीं रहे कि ये फिल्म की कॉपी है। तो आप एक अच्छी फिल्म के बुरे रिव्यूज़ दे के उसको पिटा देते हो आखिर में, और एक बुरी फिल्म के अच्छे रिव्यूज़ देख के उसको हिट करा देते हो जस्ट फॉर मनी और रिव्यू। मैं 5 out of 5 दूंगा। पूजा भट्ट जो है बहुत सुलझे हुए आर्टिस्ट हैं, और सन्नी देओल बहुत सुलझे हुए आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में कहने का मतलब ही नहीं है। और जो नया लड़का नई लड़की आए ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और जो हीरोइन की माँ बनी ना अंधी, उसका तो जवाब नहीं। कोई ऐसा डायलॉग जो काफी अमेजिंग आपको लगा हो, कोई ऐसा कोई डायलॉग बताना चाहिए सनी पाजी का? सनी देओल एक जगह विलन को बोलते हैं, वो गाना गाता है, वो बोले चुप वरना तेरे गले में 2.5 kilo का हाथ देकर तेरी जबान खींच लूंगा, कभी मैं तेरा विलन बना दूं, थप्पड़ मार दिया तो जान मार दूं तुझे मैं। लास्टली 5 में से कितने स्टार? 5 में से 5। खास करके ये जो हीरोइन है उसकी नेचुरल एक्टिंग बहुत अच्छी है, हीरो ने भी बहुत अच्छा रोल किया है। अभी सनी देओल है, पूजा भट्ट है, उन लोगों ने जो रोल किया उनको जितना रोल मिला उतना किया है। पूजा भट्ट काफी समय बाद, हाँ, पूजा भट्ट भी बहुत दिन बाद आई, सनी देओल भी बहुत दिन बाद आए। सनी देओल को भी पुलिस का रोल बहुत सूट करता है, और वही उसका पुराना स्टाइल है गुस्सा का और सब, वो नजर आता है। श्रेया का इसमें जो रोल है, लग ही नहीं रहा कि एक्टिंग कर रही है, लग रहा कि सामने बोल रही है। लुकिंग सो स्मार्ट एंड सो क्विट कि क्या बोल सकते हैं। और सलमान जो सबसे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत रोल अच्छा है उन्होंने, डेनी का जो रोल किया है बहुत ही अच्छा किया। 5 out of 5 stars दोगे लास्ट? आज तो दिल बहुत खुश हुआ है, 5 में 5 ही दूंगा। बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, हर क्रिटिक, हर मूवी गोअर, सिनेमा लवर जो मूवीज़ देखते हैं, मैंने 1200 फिल्में देखी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने हर तरह की फिल्म फेस्टिवल्स US, कनाडा, यूरोप में अटेंड किए हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मूवी आई कुड रिलेट टू इट।